नमस्कार, आपका स्वागत है ओनली न्यू नेशन में। बड़ी खबर आ रही है देश के सर्वोच्च न्यायालय से। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी के पर जो चल रहा है कार्रवाई हुई है, मुंबई पुलिस ने किया है, उस पर बड़ा निर्णय दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस पर फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अर्णब की गिरफ्तारी हुई, यह संवैधानिक तरीका नहीं है और जो आरोप लगाए गए वो निराधार हैं और ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के विधानसभा सचिव पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्णब के कोर्ट जाने पर जो आपत्ति आपने जाहिर किया है, यह कानूनी नहीं है। बिना नोटिस जारी किए गए, बिना नोटिस जारी किए आपने किस तरीके से गिरफ्तारी कर लिया, ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मुंबई सरकार पे, महाराष्ट्र सरकार पे यह आरोप लगाया और उनको फटकार लगाया। उन्होंने फटकारते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अर्णब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नाराजगी जताई है, ये जाहिर सी बात है कि सही है। जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को उनके घर से घसीटते हुए मुंबई पुलिस ले गई, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी नोटिस के, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सचिव, मुंबई महाराष्ट्र के सचिव से जवाब मांगा कि उन्होंने कहा कि आपने किस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की, आप जवाब दीजिए। विधानसभा सचिव को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, किसी पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह से अर्णब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, इस तरीके से तो किसी को भी, एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी विषय पर तमाम बहस चल रही है, टीवी डिबेट्स चल रहे हैं और टीवी डिबेट्स में तो रिपब्लिक एंकर ने कह दिया कि मुंबई अटैक के बाद एसओजी की मदद ली गई थी, अर्णब की गिरफ्तारी के लिए भी एसओजी बुलाई गई, जबकि उनके पास किसी हथियार का लाइसेंस भी नहीं है। इस पर मेजर जनरल जीडी बक्सी ने कहा कि आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे इमरजेंसी एक में हुआ था, उसी तरीके से आज इस पत्रकार के साथ हो रहा है। और इसके बाद और कई लोगों ने अपना बयान दिया और जीडी बक्सी ने खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस का। उन्होंने करते हुए कहा कि इसके पत्रकार ने अपनी आवाज बुलंद की थी। बक्सी ने कहा कि आवाज मत बंद करो, आवाज बुलंद करो, आज एक एडिटर अरेस्ट हुआ है, कल तुम होगे, तमाशा बना दिया है, लोगों को सड़कों से उठा उठाकर नसें काट दी गई, क्योंकि उस समय यह आदेश था। इसके बाद इस डिबेट में, यह टीवी डिबेट हो रहा था, इसमें पुष्पेंद्र कुलशेष ने कहा कि मसला यह नहीं है कि सवाल पूछना चाहिए या नहीं, प्रधानमंत्री का एडवाइजर कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, और जब पत्रकारिता वहां से शुरू होती है तो फिर यह संकट खड़ा होता है। अर्णब गोस्वामी एक ऐसा सिंबल है कि आज एक आदमी को इतना मजबूत कर दिया है कि नेताओं को घेरा जा रहा है। उन्होंने कुलश्रेष्ठ ने अभी कहा कि अर्णब की पत्रकारिता ने बता दिया है कि कौन से मजहब हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं। एक्टर गजन सिंह चौहान ने भी इस पर कहा कि अहंकार तो रावण का नहीं बचा था, पुत्र मोह में लोगों ने सत्ता गवाई है, उसी पुत्र मोह में इनकी भी सत्ता जाएगी। और इसी डिबेट में जनरल बक्सी ने फिर कहा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि एक राज्य सरकार पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकती है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने टिप्पणी किया कि यह फ्रीडम एक तरफा फ्रीडम ऑफ स्पीच थी यहाँ पर, और जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की का हनन हुआ है वो काफी शर्मनाक है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, और उसके पहले कोर्ट ने उसके पहले भी बोल दिया था कि जब प्रारंभिक जो जहां पे दर्ज कराया गया था शिकायत, वहां पे भी कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा अर्णब को, क्योंकि पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाएगा अर्णब को, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से बिना कोर्ट से परमिशन लिए हुए अरेस्ट किया, यह गलत तरीका है। और आप नोटिस जारी करते, बिना नोटिस के कैसे आपने, आपके पास कोई सबूत नहीं है, और जो आरोप लगा रहे हैं कि जिसके अपराध में इनको पकड़ा गया है, उसका भी कोई आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो ये एक तरीके से
फटकार है उद्धव सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया और इसीलिए हमने अपने थंबनेल में लिखा कि पप्पू का दोस्त पप्पू, उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं है कब किसको पकड़ना है, कब किसको अरेस्ट करवाना है, कब किसको छोड़ना है। तो वो भी एकदम से साफ तौर पे उनका जो उनकी जो सोच है वो पप्पू वाली ही साबित हो रही है। इन्होंने गठबंधन बनाया, इन्होंने गठबंधन बनाने के बाद उनके इशारे पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये साफ जाहिर है कि पप्पू का दोस्त पप्पू ही है और उद्धव ठाकरे जी पप्पू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगा इसके बाद तो शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, अब रिहा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अरुण गोस्वामी को। खैर उद्धव ठाकरे अड़े हैं, अपने विषय पर अड़े हैं। वहां की पुलिस लगातार यह मांग कर रही है कि रिपब्लिक टीवी के एंकर को अरुण गोस्वामी को उनकी हिरासत में दिया जाए और उस पर वो मनमानी करें, मारपीट करें। जिस तरीके से मारपीट करते हुए उनको ले जाया गया एक पत्रकार को, एक वरिष्ठ पत्रकार को, ये उसी की मांग कर रहे हैं और उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये कैसा कैसा जुर्म है और ऐसे किसी को घर से ऐसे आप कैसे उठा सकते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना नोटिस के उठाना ये कहां तक जायज है। सुप्रीम कोर्ट का यह फटकार उद्धव ठाकरे के लिए मुंह पे एक तमाचा है और ऐसे तमाचे उद्धव ठाकरे के मुंह पे पड़ते रहेंगे क्योंकि उन्होंने गठबंधन ही ऐसे पार्टी से किया है जो पार्टी खुद हमेशा से तमाचे खाते रही है, हमेशा से बैकफुट पर रही है। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लागू किया आज वो महाराष्ट्र में भी इमरजेंसी लागू करवाना चाहती है और उन्हीं के कठपुतली बनकर रह गए हैं उद्धव ठाकरे। आप इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि उद्धव ठाकरे से आप कैसे सहमति हैं या असहमति हैं। अगर आप नाराज हैं तो आप बताइए। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह कार्य किया, एक पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार पे जो आरोप लगाया और उसको जिस तरीके से पकड़ा पुलिस ने, जिस तरीके से घसीटते हुए मारपीट करते हुए जेल ले गई पुलिस, ये कितना बड़ा अपराध है। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।